वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वेनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम। विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि कैसे होती है, इस विषय पर आज हम विचार करेंगे कि हम संकल्प तो लेते हैं लेकिन उसमें हमारी सिद्धि, हमारे कार्यों की सिद्धि कैसे होती है, अगर नहीं हो पाती तो क्यों नहीं हो पाती, आखिर उसमें क्या रीजन है उस हमारे कार्यों को संपूर्ण न होने में, हमारे कार्यों को पूर्णता की ओर ना ले जाने में क्या हमारे सामने कारण आ जाते हैं, हमारे सामने कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, कौन से ऐसे हमारे सामने अड़चन हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि हम रुक जाते हैं। जो हम कार्य करने के लिए हम संकल्प लेते हैं, जो हम विचार करते हैं तो हम पूरा नहीं कर पाते। तो संकल्प से सिद्धि, ये जो हम आज विचार करेंगे कि हमारा जो कार्यों का संकल्प, जो कार्यों को पूर्ण करता है वो हमारा संकल्प पूर्ण करता है। हमारे अंदर की जो एक दृढ़ता होती है, जब हम एक दृढ़ता पूर्वक किसी कार्यों को पकड़ते हैं, जब ठान लेते हैं तो वो कार्य हमारे पूरे हो जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि नहीं ये कार्य तो मेरे से नहीं होने वाला, ये तो बहुत कठिन है, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं ना। और जब हम ऐसा मान लेते हैं तो वो जहां हम मानने लग जाते हैं वही हमारे हारने का या हमारे पतन का कारण बन जाता है। पतन का कारण हमारा मानना ही होता है। अगर हम ठान लें कि नहीं किसी भी हालत में हो मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे तो करके ही मानना है, मैं तो करके ही रुकूंगी, तब वो कार्य हम कर पाते हैं। और जब हम ठान लेते हैं तो हमारे सामने कई विकल्प फिर हमारे सामने दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कि जब हम किसी रास्ते पर चलना सीखते हैं, हम प्रारंभ में जब शुरुआत करते हैं किसी मार्ग पर चलने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, तो हम उससे पहले ही डर जाते हैं कि अरे ये मार्ग तो बहुत कठिन है, इस मार्ग पर चलना तो बहुत मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चल सकती इस मार्ग पर। अगर हम ऐसा ठान लें कि नहीं चल के तो देखें, पहले तो चलें, तो जहाँ तक रास्ता खुला हुआ वहाँ तक तो चल के देखें, उसके आगे का रास्ता स्वयं ही खुल जाएगा। जो ऐसी दृढ़ संकल्पता के साथ, दृढ़ता के साथ जो अपने कार्यों में बढ़ते हैं, वो अपने गगन को, वो अपने लक्ष्य को, वो अपने शिखर को छू पाते हैं। तो हम सभी जो व्यक्तियों का, हम सभी मनुष्यों का जो एक लक्ष्य है, एक वास्तविक जो मांग है, जो वास्तविक हमारे अंदर की जो एक पुकार है, वो है अपने शिखर को छूना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। हम किसी से कम ना रहें, अपनी योग्यताओं को हम हमेशा बढ़ाते रहें, यही हम सब मनुष्यों का एक अंदर की मूल मांग होती है। हम चाहते तो बहुत हैं, अधिकतर लोग कहते हैं कि हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। और कोई कार्य करने के लिए एक शब्द हमने बहुत दिनों से अपने, जो शब्द हम सुन लेते हैं तो उसी को हम कॉपी करके बार बार हम बोलते रहते हैं, और जिस शब्द को हम बार बार बोलते हैं तो वो हमारा अभ्यास बन जाता है। कहा जाता है कि जिस कार्यों को हम बार बार करेंगे, अभ्यास क्या है, अभ्यास जिन कार्यों को हम बार बार करते हैं वही कार्य हमारे अभ्यास में आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने एक शब्द सुन लिया कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय ही नहीं है। अगर कहा जाए कि प्रातः उठ करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए
एक घंटा डेढ़ घंटा कम से कम अपने आप को समय देना, अपने आप को समय दो, योगाभ्यास करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। अगर किसी के सामने कहा जाए, किसी को बताया जाए तो कहेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं, बहुत बिजी हूं मैं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो ये शब्द हमने सुन लिया, कहीं से हमने सुन लिया, किसी दूसरे से सुन लिया, तो वो हम उसको बार बार हमने अभ्यास किया, वो बार बार हमारे मुख से निकलता है तो वो हमारे अभ्यास में आ गया। तो सर्वप्रथम अपने संकल्प की सिद्धि करने के लिए, अपने कार्यों को शिखर तक पहुंचाने के लिए, पहले तो इस शब्द को हमें छोड़ना होगा, इस शब्द से हमें दूर जाना होगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम तो बहुत है हमारे पास, हमारे पास समय बहुत है, अगर हमें अपने कार्यों को करना है तो। हाँ, कहना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, किन कार्यों के लिए, जो व्यर्थ कार्य है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं है, उन कार्यों के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए, उन कार्यों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपने मन को अच्छा रखने के लिए हमारे पास समय होना ही चाहिए। लेकिन आज हम भटक चुके हैं, जिन कार्यों में हमें समय देना चाहिए उन कार्यों में हम समय नहीं देते, और जिन कार्यों में हमें समय नहीं देना चाहिए उन कार्यों में हम समय देते हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति बताने लग जाए कि अरे उसने ऐसा कार्य किया, किसी की बुराई, किसी के दोष, किसी के अवगुण गिनाने लग जाए, हाँ तो फिर कैसा, हाँ तो क्या हुआ, बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है उसमें, घंटों बीत जाते हैं, दो दो घंटे, चार चार घंटे उसमें बीत जाते हैं, और हम उसी में इंटरेस्ट लेते हुए हाँ से हाँ क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसी में हम उलझ करके घंटों घंटों अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो हमें एक तय करना होगा कि हमें किसमें समय लगाना है और किसमें समय नहीं लगाना। हम घर परिवार में, अपने संबंध में, आज हम समय ना होने के कारण इस शब्द को जब हमने रट लिया है कि मेरे पास समय ही नहीं है, तो हम अपने संबंधों को तोड़ देते हैं, अपने परिवारों से नाता तोड़ देते हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने आसपास अपने रहने वाले जो आसपास रहते हैं उनको समय नहीं दे पाते। तो हम समय को लगाते कहाँ हैं, समय हमारा जाता कहाँ है, समय से भी हम संबंध अच्छी तरह से नहीं जोड़ पाते। हमारा अगर समय से हमारा संबंध अच्छा जुड़ा रहे तो हम कभी ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जब हम समय से हमारा संबंध अच्छा जुड़ जाएगा तो हमारे कार्य तो आसान हो ही जाएंगे। क्योंकि समय अगर सबको एक समान रूप से मिलने वाली जो वस्तु है, एक सबको एक समान रूप से अगर ईश्वर ने किसी को दिया है तो वो समय है, बाकी तो सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन एक हम सबको मिलने वाला जो एक हम सबके ऊपर उपकार हुआ है समान रूप से, वो है समय। एक राजा के पास भी समय 24 घंटे का होता है, एक रंक के पास भी समय 24 घंटे का होता है। तो उसी समय में कोई व्यक्ति अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और अपने कार्यों को वो इतना राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, सब अपने ही उसी जीवन में कर लेता है कुछ ही समय में। लेकिन हमारे पास समय होते हुए भी हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। जो हमारा विकास है, जो हमारे कार्यों की सिद्धि है, वो रुक कहाँ जा रही है, वो यहीं पर रुक जाती है, जो हमारे गलत, जो हम अंदर जो सोचते हैं, हमारा हमारे सोचने की एक जो शक्ति है उसको हम डेवलप नहीं कर पाते, उसको हम एक विशालता से, एक विराटता से नहीं सोच पाते, एक संकुचित सोच रह जाती है हमारी। जब हमारी सोच संकुचित रह जाती है तब जाकर के हम कह पाते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है। अगर हम आज इस शब्द को अपने जीवन से निकाल दें कि मेरे पास समय नहीं है, ये कहना अगर हम बंद कर दें
तो देखना आपके जीवन में जो भी आप कार्य लेंगे तो उनको बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी ही श्रद्धा से, भावना से, विश्वास से करके और उस कार्य को पूरा करेंगे और कहेंगे बहुत ज्यादा समय है और बहुत कार्य है। कार्य भी बहुत है और समय भी अपने पास बहुत है, आराम से कर सकते हैं, हर कार्य को आराम से कर सकते हैं। आराम से जब करेंगे, जब सर्वप्रथम हमें प्रधानता देखनी होगी कि हमारे जीवन में प्रधानता किसकी है, किस कार्यों की प्रधानता है, तो हर मनुष्य के जीवन में कुछ मुख्य होते हैं, कुछ कार्य मुख्य होते हैं, उन कुछ कार्यों की मुख्य प्रधानता होती है। और वो सर्वप्रथम प्रधानता है अपना स्वास्थ्य, अपने मन का स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता भी है, अगर हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो उसमें सर्वप्रथम मुख्य कारण हमारा मन बनता है। हमारे मन से ही हमारी बीमारी होती है। अगर जैसे कि बिल्कुल व्यक्ति स्वस्थ है, अगर वो सोचने लग जाए मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, अगर वो दो चार बार ऐसे बोले, चार बार बोले, पांच बार, छह बार, दस बार तक ऐसे कई लोगों से बोलता रहे कि मेरा तो सर दर्द कर रहा है, तो उसको उसको सर दर्द होने की अनुभूति होने लग जाएगी। उसका सर तो दर्द नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारा बॉडी, हमारी, हमारा मन रिएक्ट करने लग जाता है। हम सोच देखते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके शरीर से, उनकी बॉडी से एक ओरा टाइप में होता है, एक अद्भुत प्रकार की एक प्रकाश चमकता है, एक अद्भुत प्रकार का एक वातावरण होता है उनके आसपास। तो ऐसा क्यों? वो उनके सोचने से होता है, उनके विचारों से होता है। अब जैसे कि हम घर में रहते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो हमारा मन टेंशन में होता है, हम दुखी रहते हैं, हम बीमार रहते हैं, लेकिन हम जब मंदिर में जाते हैं, किसी पूजा स्थल में जाते हैं, किसी भगवान के मूर्ति में, किसी मंदिर में जाकर के जब हम खड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सुकून सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाकर के। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें, हम अंदर से अनुभूत कर रहे हैं, हम उस पर सोच रहे हैं, हम ऐसे फीलिंग ला रहे हैं कि ये तो मंदिर है, वहां पर हमें किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं आती। हम वहां पर मंदिर सोच करके कि ये तो ईश्वर का स्थान है, ये तो भगवान, साक्षात भगवान का स्थान है, और जब हम वहां पर जाते हैं तो बड़े ही श्रद्धा से वहां पर नमन करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको सोचा, हमने अपने मन में ऐसा बैठाया, हमने अपने मन से ऐसा विचार किया कि ये एक मंदिर है, ये भगवान का स्थान है, एक पूजा स्थान है, इसलिए हमने सोचा ऐसे। अब जैसे सोचेंगे वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। जब मंदिर में कुछ क्षणों के लिए जाने से, कुछ समय के लिए जाने से, 15-20 मिनट, आधा घंटा उस मंदिर में बैठने से हमें बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते? जैसे कि हमें सुख, हम चाहते हैं कि सुख हमारे पास थोड़े समय के लिए आए क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि सुख हमारे पास हमेशा रहे, हम यही चाहते हैं, हम सबकी मांग यही है कि सुख आनंद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, दुख कभी ना आए। तो जब एक अच्छी विचार, हमारे सुख, हमारा सुख कहीं बाहर नहीं है, किसी दुकान में खरीदने से नहीं मिल जाएगा, किसी मार्केट में हमें खरीदने से नहीं मिल जाएगा, सुख तो हमारे अंदर ही है, आनंद तो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा हमें, उसको हमें अंदर से फील करना पड़ेगा, उसको हमें अंदर से विचार करना पड़ेगा कि सुख जो कुछ भी है वो तो हमारे अंदर ही है, और जो हमारे पास में है, और उसी वस्तु को जो हमारे पास में है हम बाहर ढूंढते रहे तो हमसे मूर्ख कौन होगा? उससे मूर्खता कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा।
कि जो वस्तु हमारे पास रखी हुई है और उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये अज्ञानता हो गई, ये अज्ञान के वश हम ऐसा कर रहे हैं। तो आज जो भी मनुष्य दुखी हैं, आज जो भी मनुष्य परेशान हैं अपने कार्यों से, अपने परिवारों से, अपने आप से, बाहर से तो थोड़ा कम ही, लेकिन अपने आप से बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने आप को पहचानने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है, सत्संग अति आवश्यक है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपने घर की सफाई करते हैं, अपने रूम की सफाई करते हैं, हमारा पूरा रूम शीशे शीशे से पैक है, उसके अंदर एक धूल का कण भी नहीं आ सकता, एक तिनका भी नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम उसकी डेली सफाई करते हैं। प्रतिदिन उस कक्ष की हम सफाई करते हैं, हम इस शरीर की प्रतिदिन सफाई करते हैं। जब हम शरीर की, अपने कक्ष की, अपने आसपास परिसर की जब हम डेली सफाई करते हैं, और सफाई करते समय जब हम सफाई करते हो तो उस समय हमारे मन में कभी किसी भी क्षण ये शंका नहीं होती कि मैं सफाई तो कर रही हूँ लेकिन साफ नहीं होगा, मैं अपने कक्ष की सफाई तो करूं लेकिन मेरा कक्ष साफ नहीं होगा, हमारे अंदर शंका नहीं होती किसी भी प्रकार का, हमारे भय संशय नहीं होता। तो वैसे ही हमें अपने विचारों पर सोचना चाहिए कि अगर हम अपने विचारों में, अपने आप में हम अच्छे अच्छे विचारों को अगर हम सोचेंगे, अच्छे अच्छे विचारों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। इसमें हमें कदापि संशय नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कार्यों को और अपने कर्तव्यों को इतनी खामोशी से करो। किसी महापुरुष का कहना है कि अपने कार्यों को इतनी तत्परता से करो, इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी सूरज की तरह कामयाबी शोर मचा दे। जिस प्रकार सूर्य जब उगता है तो उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं आ गया, प्रकाश अंधेरा अपने आप छट जाता है। तो कहा जाता है कि अगर तुम्हें चमकना है, सूरज की तरह तुम्हें चमकना है, तो उसकी तरह पहले जलना सीखो। अगर हमें सूरज की तरह, सूर्य की तरह चमकना है, अपने जीवन को चमकाना है, तो हमें पहले सूर्य की तरह जलना सीखना होगा। और अगर हम उसकी तरह जलना सीख जाएंगे तो चमकना तो हम अपने आप ही, हमारा अपने आप ही हो जाएगा। स्वेन कृतना संवदेता, कि अपने कर्म से बोलना चाहिए, और कर्म जब ही होगा जब हम अच्छे विचारों को अपने मन में लाएंगे। सब कुछ विचारों का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं, अगर हम अच्छे विचारों को लाएंगे। लेकिन हमारी गलती कहाँ पर हो जाती है, हमारे कार्यों में बाधा कहाँ पर आ जाती है कि हम छोटे छोटे कार्यों से हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं, अपने आप को हीन सोचने लग जाते हैं। छोटे से कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी ने हमें कुछ अपशब्द बोल दिया, किसी ने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा तो कोई है नहीं, आप तो बहुत महान हैं, तो हम उस समय इतने आनंद से भर जाते हैं, इतने सुख से इतने भर जाते हैं कि हाँ मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर कुछ दूसरे उसी क्षण, कुछ क्षण के बाद आपको अगर थोड़ी सी बातों में अगर डांट दे, कह रहे तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम तो किसी के लायक नहीं हो, तो फिर से उसी क्षण हमें लगने लग जाता है हाँ सच में मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं। तो क्या ये कैसे हो रहा है? हमारे मन में सोचने से हो रहा है। किसी ने कह दिया कि आप अच्छे हैं तो हम अच्छा सोचने लग जाते हैं, किसी ने कह दिया आप बुरे हैं तो हम बुरा अपने आप को मानने लग जाते हैं। तो हमें एक स्टेबल रहना होगा, स्थिर रहना होगा, और जब हम स्थिर रहेंगे एक वास्तविकता को सोच देखना होगा, हमें विचार करना होगा कि आखिर है क्या ये जीवन, आखिर
ये विचार, कोई कह रहा आप अच्छे हैं और कोई कह रहा आप बुरे हैं, तो क्या मैं हूं क्या? उसमें हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सागर हमारा जीवन जो भी बनता है वो विचारों से बनता है। हमारी सृष्टि जो भी बनती है, हमारे आसपास का वातावरण जो भी बनता है, वो हमारे विचारों से बनता है। तो सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा कार्य करने के लिए हम है, जो कार्य करने योग्य है, वो है हमारे विचार। अगर हमें सिद्धि पानी है, अगर हमें किसी पर विजय पाना है, तो अपने विचारों पर पाना है। सर्वप्रथम हमें अपने विचारों पर विजय पाना चाहिए। अगर हम अपने विचारों पर विजय पा गए तो सारी दुनिया पर विजय पा लेंगे। क्योंकि हमें कोई हराता है, कोई दुखी करता है, सुखी करता है, कुछ भी करता है, उसमें से कुछ भी हम होते हैं तो उसमें हम विचारों से होते हैं। बाकी तीसरा कोई कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारे विचार हमें दुखी करते हैं और हमारे विचार ही हमें सुखी करते हैं। तो हमें एक टारगेट तय करना होगा, हमें एक लक्ष्य तय करना होगा कि मुझे नीचे नहीं सोचना, मुझे संकुचित नहीं सोचना। सोचना है तो एक उत्कृष्ट, एक विशाल दृष्टि रखते हुए सोचना है। मुझे कभी नकारात्मक नहीं सोचना। अगर मैं नकारात्मक सोचूंगी तो मैं नकारात्मक बन जाऊंगी। जैसे एक पात्र है, उस पात्र में दोनों पात्र खाली रखे हुए हैं। ग्लास देख ले, ग्लास ही रखा हुआ है, दो ग्लास आपके सामने रखे हुए हैं और दोनों खाली हैं। अगर उन दोनों ग्लासों में जो आप डालेंगे वही जाएगा। एक में अमृत डालेंगे तो अमृत से भरेगा, एक में आप जहर डालेंगे तो जहर से भरेगा। उस ग्लास का कोई दोष नहीं है, दोनों ग्लास सेम है, उनमें कोई खोट नहीं है, उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। कमी किसमें है? डालने वालों में। गलती किस पे हो रही है? डालने वालों पर, कि एक में तो अमृत डाला जा रहा है, एक में तो जहर डाला जा रहा है। तो उसी प्रकार हम सबका, भगवान ने हमें एक जो ये शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, तो वो सबको एक समान दिया है, किसी पर भेदभाव नहीं है। लेकिन हम जब डालने लग जाते हैं इसमें, कोई व्यक्ति महान बन जाता है, कोई महापुरुष, आज जैसे कि हमारे महापुरुष ऋषि ऋषिकाएं, जो वीर वीरांगनाएं आज भी हमारे जीवित हैं, वो हमारे लिए, उनके कार्यों को आज भी हम याद करते हैं, उनके किए हुए उपकारों को आज भी हम उनके नीचे, उनको, उनके सामने सर झुकाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य करके गए। हम सब के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपना जीवन, अपना बलिदान करके गए। तो उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, उनकी सोच पर निर्भर करता है। उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसे विचार किया, तो हमारा संकल्प की सिद्धि हमारे विचारों पर है। अगर हम अपने अंदर जहर डालेंगे तो हमारा सोचना, हमारा चलना, हमारा उठना बैठना सब कुछ विष के समान हो जाएगा। अगर हम अमृत डालेंगे तो सब कुछ अमृतत्व हो जाएगा, सब कुछ सत्व हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा और आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, सत्व के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसके संकल्प की सिद्धि अवश्य होती है। तो अपने संकल्प की सिद्धि करनी है तो सर्वप्रथम अपने विचार पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम जो सर्व महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए है वो अपना विचार है। अपने विचारों को कभी नीचे नहीं आने देना, हमेशा ऊंचा सोचना, हमेशा अच्छा सोचना, हमेशा सात्विक सोचना। अगर हम सात्विक सोचेंगे, अच्छे विचार लाएंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, उज्जवल होगा और हम शिखर तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शांति 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 ही।